फाइनल अभी हम हंसता हंसती मंदिर के अंदर एंटर कर चुके हैं। ये देखो प्यारे प्यारे मोर भी है यहाँ पे, खूब सारे पेड़ पौधे भी है। यहाँ पर ये सब इन्होंने बनवाया है हंसता हंसती मंदिर, यहाँ पे अभी अभी बना है। यहाँ पे देखो टाइल्स भी लगी है, वो अभी अभी भी बना है नया। ये देखो ऊपर पूरी छत भी इन्होंने बनवाई थी, पूरी वहाँ पर ये बहुत सेवा करता है अपने पक्षियों के लिए। यहाँ पे है ना कि जहाँ यहाँ पर है ना, यहाँ पर काफ़ी है ना, जैसे उनको धान या कुछ खिलाया जाता है वहाँ पे, तो वो है ना वो वाल है वहाँ पर, वो बनाया हुआ है। क्योंकि आपको एक बार दिखा करता हूँ, पक्षियों को डराना तो नहीं चाहता। वहाँ पर कांटे बहुत है गाँवों का, यही मसला कांटे बहुत सारे हैं। जैसे चलते हैं सामने दिख रहा है आपको दरवाज़ा, उसी के ऊपर एक सिद्ध बनाया हुआ है जहाँ पर पक्षियों को दाना बीज डालते हैं वो भी जहाँ। और यहाँ पर देखो एकदम ग्रीन ग्रीन ये पूरा उन्होंने बनवाया है। ये रहा वो चुका जहाँ पर मोर है, पर मैं आवाज़ नहीं करूँगा वरना वो डर जाएंगे, ऊपर नहीं जाना चाहता। वहाँ पर देखो छत वत सब बनवा रखी है उनकी, पर मैं ऊपर नहीं जाऊंगा, शायद डर जाएंगे। कबूतर भी बैठे हैं, तो चलते हैं वापस। वहां पर भी देखो कितने सारे पक्षी बैठे हैं, देखो बाहर विराजमान है। यहाँ पर भक्तगण आते हैं तो बैठते हैं, अभी वो बाहर विराजमान है, फिर अंदर आ जाएंगे। चिड़ियों की चे चे सुनने को मिलती है आजकल भाग दौड़ में, कहाँ पर इनकी सुनने को मिलती है, कहाँ पर ऐसे पक्षी इतनी हरियाली चारों ओर। गाँव में तो और मिलती है, पर शहरों में तो ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। शहरों में चारों तरफ सिटी व्हीकल्स, यहाँ पर और थोड़े बहुत कम भी तो है, चारों तरफ खेल दिया को नज़ारा, यहाँ पर बहुत तो अच्छा लगता है। और थोड़ी फोटो शूट भी कर लेते यहाँ पर कुछ और भी है, उसको बाद में देखेंगे। तो ये फाइनल रूम है उनका, आप देख लो एक बार।
यहाँ पर एक गुफा भी है, ये अंदर भी बना हुआ है। यहाँ पे आपको दिखा तो चलते हैं ऊपर। ये उनका वो रूम है जहाँ पे वो रहते हैं पूरा दिन। कूलर, टीवी सब लगा हुआ है। पूरा एकदम ये उनका अपना हुआ है। यहाँ पर इनका छोटा सा किचन भी है। यहाँ पर मंदिर में फ्रिज भी। भगतगण आते हैं तो यहाँ पर विराजमान रहते हैं। यहाँ पर विराजमान रहते हैं। ये पहले मंदिर ऐसा नहीं था। इन्होंने सारा मंदिर यहाँ पे 14-15 साल में यहाँ पे बनाया है। ये सब कुछ ध्यान पूजा करते हैं यहाँ पे। ये रहा अपना तगड़ा। यहाँ पे तो दोबड़ी इसको कहते हैं, असली हरियाली उधर भी। अभी आपको एक प्यारा फूल दिखाता हूँ, मुझे नीचे दिखा है बहुत प्यारा फूल लगा मुझे, आपको दिखाता हूँ कैसा लगता है। उस पेड़ के है पीला सा, उसकी फ़ोटो भी खींच लेते हैं, आपको भी दिखाता हूँ। देखो कितना प्यारा फूल है। तो ये है मंदिर का पीछे का व्यू। यहाँ पे खेत है। मंगल धूप का पौधा बाप जी ने अपने कर कमलों से लगाया। ये बाप जी ने अपने कर कमलों से लगाया है ये पौधा। इसकी डाली लगती है, इसकी सिर्फ एक डाली लगती है। जैसे यहाँ से ये सिर्फ ये इतनी सी लगेगी, ये सिर्फ ये बढ़ती जाएगी और फिर इतना बड़ा हो जाएगा। और इसका गूगल धूप है। ये प्योर गूगल धूप पौधा है। इसके अंदर से गुण उपरता है वो गूगल होता है। इसके अंदर से जो गुण उपरता है वो गूगल होता है। हंसदास जी मंदिर में फेरी लगाने से शुगर और मशे की बीमारी ठीक हो जाती है। होगा या नहीं मुझे नहीं पता। यहाँ पे देखो काफी सारे मोर थे। देखो यहाँ पे चारों तरफ मोर ही मोर है। ये सारे यहाँ पर पार्टियाँ कर रहे हैं। यहाँ पे आए हैं शाम को, हर शाम को आते हैं। वही अपना फाइनल श्री श्री 1008 श्री हंसदास जी महाराज सोंगलपति बगीची बड़ी खाटू नीम नगर जोड़िया नाडी। चलो अभी आरती का समय हो गया है तो आरती देख के चलते हैं। थोड़ी देर रुकते हैं, आरती होने वाले है शुरू, तो आरती देख के फिर चलते हैं घर। Thank you.
काफ़ी सारे यात्री भी आते हैं फेरी देने के लिए। Yeah.